गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू विल विल बी फाइन टुडे आई स्टार्ट चैप्टर नंबर थर्ड मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ क्लास एट ऑक्सीजन ठीक है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल मेटलो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं कब बोलते हैं हम एसिडिक ऑक्साइड एज दे फॉर्म एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर जब वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं तब उनको हम दूसरा नाम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड वैन कार्बन बर्न इन एयर इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड देखो जो हमारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो वहाँ से क्या निए? रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ठीक है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होएगी सल्फर बर्न विथ ब्लू फ्लेम एंड पंजेंट स्मेल टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड देखो जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बर्न होगा मतलब सॉरी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर जो है बर्न होगा तो वहाँ से क्या रिलीज होगी सल्फर डाइऑक्साइड और ब्लू कलर की फ्लेम होगी दिस ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड देखो जब ये ऑक्साइड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड क्या है एक एसिडिक नेचर है फिर क्या है जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जो ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ डिजॉल्व होगा तो वो क्या बनाएगा सल्फेरस एसिड रिएक्शन विद वाटर अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन के कुछ मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो रिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना लेते हैं और जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक एक ऑक्साइड बनाएगा तो वैसे ही अब वाटर के साथ रिएक्शंस होती हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड देखो जब मेटल्स हमारे जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे या फिर मेटल जो ऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे विच आर बेसिक इन नेचर जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है ठीक है कुछ एसिडिक नेचरों के होते हैं कुछ बेसिक नेचर के होते हैं सब मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विक्रियसली इवन विथ कोल्ड वाटर यू अ लॉट ऑफ हीट देखो जब हमारे जैसे सोडियम है पोटेशियम है जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से जो हीट है वो निकलेगी सोडियम रिएक्ट विगलेसली विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर देखो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक नेचर है और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ होएगी मैग्नीशियम शो माइल रिएक्शन विद कोल्ड वाटर एंड एंडस विथ हॉट वाटर देखो जब मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी सब मेटल्स लाइक टिन लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टैम स्टीम ठीक है जो कॉपर है सिल्वर है गोल्ड वगैरह है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट होता ट with with करते हैं नहीं करते नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड देखो जब हमारे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाते हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं वैन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन वैन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बट डू नॉट रिएक्ट विध वाटर देखो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बना दे, देते हैं मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं लेकिन हमारे ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते सम नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस आर वेरी रिएक्टिव देखो जो फॉस्फोरस होता है वो हमारा एक नॉन मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ हैंस दे आर स्टोर इन वाटर तो इसलिए फॉसफरस को ऑक्सीजन के साथ स्टोर किया जाता है सॉरी वाटर के साथ स्टोर किया जाता है क्यों क्योंकि जो फॉस्फ़ॉरस है मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और फॉस्फरस जो है वो क्या है हमारे एक नॉन मेटल है ठीक है तो इसलिए फॉस्फॉरस को जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ऑक्सीजन के साथ फॉस्फरस बहुत जल्दी रिएक्ट हो कर जाते हैं तो इसलिए फॉसफॉरस को वाटर में स्टोर किया जाता है क्यों फॉस्फोरस कैच फायर एज सुन इज इट कॉन्टेक्ट इन विद एयर सो इट इज़ स्टोर इन वाटर क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो वॉटर के साथ रिएक्ट नहीं करता इसीलिए हाँ उसको वाटर के लिए स्टोर किया जाता है वाटर में स्टोर किया जाता है जिससे कि वो आ, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो फायर को कैच ना कर पाए रिएक्शन विद डायलूट एसिड उसके बाद आपके जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद डायलूट एसिड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डायलूट एसिड और द मेटल्स रिएक्ट विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कलरलेस सोल्यूशन ऑफ़ द मेटल क्लोराइड देखो जो हमारा मेटल है जब वो जैसे कि सोडियम मेटल है एल्यूमिनियम है आयरन है ये सब हमारे क्या है मेटल्स हैं जब ये हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एच सी एल जो होता है हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जब एच सी एल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा एक मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा और वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स रिलीज होंगे बबल्स जो है वो बनेंगे और कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा मेटल शो वायलेंट रिएक्शन विद एसिड सो सच एज सोडियम एंड पोटेशियम अब देखो जब मेटल्स जो होते हैं जैसे सोडियम है और क्या है एलुमिनियम है आयरन है ये सब जब हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब एच के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे मेटलिक मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो बल्स में निकलेगी देखिए सोडियम का फॉर्मूला होता है एन ठीक है हाइड्रोजन मतलब ये डायलोट सल्फ्यूरिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी तो डायलोट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एच जब सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ होगी आयरन रिएक्ट विद डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस देखो एफ ई आयरन होता है आयरन का फॉर्मूला है सिम्बल है सॉरी और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिम्बल है एच सी एल तो यह क्या बनेगा फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बबल्स में रिलीज़ होगी एल्यूमिनियम रिएक्ट विध डायलोट डायलोट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस जो हमारे एलुमिनियम है जब वो मतलब तो देखो जो एल्यूमिनियम है जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है थ्री और क्लोरीन की वैलेंसी होती है वन क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है तो क्या बनेगा ए एल वन सी एल थ्री ठीक है मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बन गया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बबल्स में रिलीज़ हो जाएगी फिर उसके बाद मैग्नीशियम जब डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो देख उसके बाद सम मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनियम बिलो हाइड्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डायलुट एसिड एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन दे कैन नॉट रिप्लेस फ्रॉम डायलूट एसिड देखो जो हमारे कॉपर है सिल्वर वगैरह है वो हाइड्रोजन से नीचे की साइड होते हैं तो इसीलिए वो क्या रिएक्ट नहीं कर पाएंगे एसिड के साथ ठीक है वो लेस रिएक्टिव होते हैं देखिए जैसे यहाँ पे है जो हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ठीक है ठीके? वो सब क्या है वो लेस रिएक्टिव है और जो हाइड्रो से ऊपर है ऊपर की साइड है अपर साइड में वो सब क्या है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ठीक है और ये सब क्या है हमारे लेस रिएक्टिव मेटल तो इसीलिए जो कॉपर है सिल्वर है गोल्ड है वो क्या वो मतलब एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड देखो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ मतलब जो डाइल्यूट एसिड होता है जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती रिएक्शन विद बेसिस रिडक्शन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस देखो जो ज़्यादातर जो हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते ओनली फ्यू ओनली वेरी फ्यू मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम जिंक लेड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट दैट ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस ठीक है देखो जो हमारे बेस होते हैं मतलब ऐसे बहुत कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एलुमिनियम ठीक है जिंक वगैरह जब ये बेस के साथ रिएक्ट होंगे तो वो क्या बनाएंगे मेटल Metal, मेटल्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से रिलीज होगी दे डू नॉट रिएक्ट विद वीक बेस लाइक एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है वो क्या मतलब जो वीक बेस होते हैं उसके साथ नहीं रिएक्ट करते क्योंकि जो एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक वीस वीक बेस है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर जो नॉन मेटल्स के साथ मतलब जब बेस रिएक्ट करेगा तो वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है वैन क्लोरिन रिएक्ट विद बेस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है जब हमारे जो क्लोरीन होते हैं जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी एज मतलब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड ए ओ एच ठीक है जब हमारा जो क्लोरीन होता है जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एंड ठीक है तो जो मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो मल्टीपल प्रोडक्ट आएंगे वी विल स्टडी इन योर हायर क्लासेज तो हम इसको आगे जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें स्टडी करेंगे उसके बाद डिसप्लेसमेंट रिएक्शन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं कि जो किसी दूसरे मेटल को उसकी जगह को डिसप्लेस कर दें वैन मेटल मेटलिक सॉल्ट सोल्यूशन रेक्ट विद अनदर मेटल द मोर रिएक्टिव मेटल डिसप्लेस द रिएक्टिव मेटल दिस इज नोन एज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन देखो जब एक मेटलिक जो सॉल्ट होता है जैसे एक हमारे क्या है ये है जैसे कि कॉपर सल्फेट ठीक है कॉपर सल्फेट को जब हमने आयरन के साथ आयरन किया है दूसरा मेटल है ठीक है जब एक सॉल्यूशन के साथ जब दूसरे मेटल को रिएक्ट करवाया तो उसने क्या कर दिया उसका डिस्प्लेस कर दिया जगह को क्योंकि जो कॉपर है यहाँ पे उसको डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने ठीक है क्यों कर दिया क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो लेस लेस रिएक्टिव मेटल है और जो हमारा क्या है इसमें एफी -e आयरन है वो क्या है आयरन देखो मोर रिएक्टिव मेटल है ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा मतलब उसकी जगह को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर देखो यहाँ पे लिखा है उसके बाद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज लिंक्ड विद देयर रिलेटिव पोजिशन इन एक्टिव, एक्टिव सीरीज एक्टिविटी सीरीज देखो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है तो जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है वो है पोटेशियम सोडियम ठीक है ये सब हैं तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएंगे ठीक है और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो तो लेस रिएक्टिव है ही केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज लिंक्ड विद देयर रिलेटिव पोजिशन इन द एक्टिविटी सीरीज सर्टेन मेटल्स हैव द कैपेसिटी टू डिस्प्लेस सम मेटल्स फ्रॉम द एक्टी एक्वे सॉल्यूशन ऑफ़ देयर सॉल्ट देखो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी एक्वेटिक uh, सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं अ मेटल प्लेस हायर इन एक्टिव एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल दैट ऑक्यूपाई अ लोवेस्ट पोजिशन फ्राम दोल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट मतलब यहाँ पर यह बोला है कि जो हमारे मेटल्स हैं जो एक्टिविटी uh, सीरीज में ऊपर की साइड हैं ठीक है थीके? वो क्या कर देंगे जो नीचे वाले की साइड हैं जो लोवेस्ट जो मेटल हैं उनको क्या कर देंगे वो डिस्पेस कर देंगे क्योंकि वो जो अपर साइड में है जो रिएक्टिविटी सीरीज में वो आ, मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं फॉर एग्जाम्पल आयरन विच इज़ प्लेस्ड हायर इन द एक्टिविटी सीरीज दैन कॉपर रिएक्ट विद कॉपर सल्फी सल्फेट सोल्यूशन कॉपर हावअर डजेंट रिएक्ट विद आयरन सल्फेट Uh, as it is less reactive in the iron, metals placed higher in the activity series are more reactive than those metal placed below. ठीक है तो जो हमारा कॉपर जैसे कि कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पे जब आयरन के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो जो आयरन है उसने क्या कर दिया कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्यों क्योंकि जो आयरन है आयरन है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, है कॉपर के कंपैरिजन में वैन स्मॉल वैन स्मॉल क्लीन प्लेस पीस ऑफ मैग्नेशियम आर एडिड इन टू डायलूट सल्फ्युर एसिड मैग्नेशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड ठीक है देखो जो मैग्नेशियम जो है जब हम उसको डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एड करेंगे ऐटम्स ऑफ मैग्नेशियम डिसप्लेस द एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्राम सल्फ्यूरिक एसिड तो वहां पे क्या कर देंगे जो हाइड्रोजन के जो एटम है वो वहां पे मैग्नीशियम उनको क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है देखो यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम और ये क्या है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड तो इसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर दे मैग्नीशियम ने तो ये हमारी क्या है एक्टिविटी सीरीज है यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखो कुछ हमारे मेटल्स हैं मतलब मेटल्स जो हैं वो यूजफुल हैं नॉन मेटल्स भी यूजफुल होते हैं जैसे कॉपर एंड एलुमिनियम वायर आर यूज टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट जो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कॉपर एंड एल्यूमिनियम कॉपर एल्यूमिनियम एंड आयरन आर यूज टू मेक डोमेस्टिक यूटेंसल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट जो हमारा कॉपर एलूमिनियम आयरन वगैरह है वो हमारे जो घर के बर्तन होते हैं उन से बने हुए होते हैं एलूमिनियम से आयरन वगैरह से कॉपर से और हमारे जो फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो औजार वगैरह होते हैं वो भी इन सब चीज़ के बने होते हैं थिन फॉयल ऑफ एलूमिनियम आर यूज फॉर रैपिंग सिगरेट मेडिसिन कॉन्फेक्शनरी एक्सेट्रा देखो जो हमारे एलूमिनियम जो फॉइल होती है ठीक है वो किस में रैपिंग वगैरह में यूज़ होते हैं जैसे कि हमारा जो सिगरेट वगैरह होती है या फिर कुछ भी हमारे मेडिसिन वगैरह होती हैं उनमें रैप करने में यूज होते हैं एल्यूमिनियम फॉयल एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग एंगल्स डोर पाइप्स एक्सेट्रा विच आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज देखो जो हमारे एल्यूमिनियम के जो एलुमिनियम uh, जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग में यूज होता है जैसे विंडो वगैरह बना लिए ठीक है पाइप्स वगैरह बना लिए डोर वगैरह बना लिए जैसे एलुमिनियम के डोर होते हैं मेटल्स सर्च सोडियम टाइटेनियम जरकोनियम एक्सेट्रा आर यूज इन द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इन स्पेस साइंस प्रोजेक्ट ठीक है जो हमारे सोडियम टाइटेनियम ये सब क्या है मेटल्स हैं और वो न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी और जो गोल्ड सिल्वर होता है वो ज्वेलरी बनाने में काम आता है क्रोमियम एंड निकिल आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इक्विपमेंट देखो जो हमारा क्रोमियम और जो निकली होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है जैसे कि जिससे कि हमारे जो आयरन वगैरह है वो उसके ऊपर रस्ट ना ना लगे जंग ना लगे तो वो मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है क्रोमियम और निकेल जिंक इज़ यूज इन कोटिंग आयरन शीट टू प्रीवेंट रस्ट ऑफ आयरन देखो जो जिंक का जो कोट होता है वो भी इसलिए होता है जिससे कि आयरन के ऊपर रस्ट ना लगे जंग ना लगे इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिप्रेशन ऑफ यूजफुल एलोएड सच एज ब्रास ब्रोमियम ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर देखो जो हमारा जिंक होता है वो और भी प्रिपरेशन में यूज होता है मतलब एलॉयज बनाने में काम आते हैं जैसे ब्रास वगैरह है एलॉयज किसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल उसको एलॉय बोलते हैं ठीक मिक्स फिर देखना है लिड इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स एंड कंटेन कंटेनर्स फॉर लिक्विड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव स्क्रीन फॉर एक्स रे एंड फ्रॉम अदर हार्मफुल रेडिएशन देखो जो लिड वगैरह होती है वो पाइप बनाने में भी काम आती है कंटेनर्स वग़ैरह में भी बनाने में काम आती है और यहाँ तक कि जो हमारी एक्स रे है या फिर जो हार्मफुल रेडिएशन है उनसे भी प्रोटेक्ट करती है एलुमिनियम फाइनस एक्सटेंसिव यूज़ इन फैब्रिकेटिंग पार्ट्स ऑफ aeroplane एंड स्पेस क्राफ्ट देखो जो एलुमिनियम होता है वो और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है मतलब एक्सपेंसिव होता है जैसे कि एरोप्लेन वगैरह में उन सब में यूज़ होता है तो देखो जो हमारी ये सब है ये क्या है मेटल्स हैं देखो मेटल जो है मतलब जो ये बने हुए हैं ये सब क्या हमारे metals है हमारे मेटल्स के हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल हाइड्रोजन इज़ यूज इन द मैनुफेक्चर ऑफ अमोनिया गैस विच इज़ यूज टू मैन्यूफैक्चर फर्टिलाइजर सच एज़ यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट देखो जो हाइड्रोजन होता है वो अमोनिया गैस बनाने में यूज़ होता है जो कि फ़र्टिलाइजर वगैरह में यूज़ होता है हाइड्रोजन इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्यूल इट इज़ इट इज़ यूज इन ऑक्सीहाइड्रोजन टर्चेज विच आर यूज फॉर वेल्डिंग देखो जो हाइड्रोजन होते हैं वो और भी यूजफुल होते हैं फ्यूल वगैरह में और जो वेल्डिंग वगैरह होता है उसमें भी यूज़ होती है सल्फर इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट्स एंड इन द प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ मैजिस्टिक डाइज एंड गन पाउडर देखो जो सल्फर होता है वो बहुत सारे कंपाउंड uh, बनाने में यूज़ होता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में बनाने में सल्फेट्स वगैरह बनाने में या फिर जो मैचिस्टिक होती है उसमें भी बनाने में यूज़फुल होते हैं मैस्ट मैचस्टिक होती है उसके बाद है सिलीकन सॉरी फॉस्फरस इज़ यूज इन द फायर वर्क इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग स्पेशल ग्लासेस यूज इन द सोडियम लैम्प देखो जो फॉस्फ़रोस होता है वो किसमें फायर इंडस्ट्री में यूजफुल होती है सिलिकन इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो सिलिकन होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं जो माइक्रो पार्ट्स होते हैं उनमें यूज होते हैं सिलिकन जैसे कि ट्रांजिस्टर चिप वगैरह बनाने में ठीक है देखो यहाँ पे लिखा है चिप यूज इन कंप्यूटर ये सब ग्रेफाइट्स इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन जो ग्रेफाइट होता है वो भी हमारा कार्बन का फॉर्म है और आपको पता है जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल है और ग्रेफाइड किसमें uh, कहाँ पर देखोगे आप जो हमारी पेंसिल होती है उसके जो सामने की जो लीड होती है उसमें पाई जाती है ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन की फॉर्म है मतलब कार्बन जो है वो हमारा एक नॉन मेटल है इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी इट इज़ यूज एज लुब्रिकेंट इन द पाउडर फॉर्म इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रोड देखो जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है स्लिपी होती है और वो पाउडर की फॉर्म में भी यूजफुल होता है और फिर क्या है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज रिफ्रिजरेंट इन हॉस्पिटल्स इट हेल्प इन स्टोरिंग ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एट लोअर टेम्परेचर इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैनुफेक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स देखो जो नाइट्रोजन लिक्विड होती है वो हमारे रिफ्रिजरेटर वगैरह मतलब हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होती है जिससे कि जो हमारे ऑर्गेन्स